नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुंदर रसोई चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हम चावल का आटा ले लिए हैं, इसमें हम स्वाद अनुसार हल्का सा नमक मिला लेंगे और इसे हम पानी से गूंथ लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो आटा हमारा गूंथ गया है, इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तो दोस्तों, 10 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है और अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई में हम पानी रख दिए हैं और इधर हम नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो हाथ में हमने पहले से थोड़ा सा तेल लगा लिया है जिसमें हमारा आटा हाथों में चिपके ना। तो इस तरह से हम नाश्ते को बनाएंगे और जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा तब इसी में हम डालते जाएंगे। और ये हम एक चम्मच के करीब पानी में तेल डाल दिया है। तो पानी हमारा उबलने लगा है और ये हम सारा नाश्ता इसी में डाल देते हैं। ये जो हमारा आटा बचा है इसका भी हम इसी तरह से बना बना के डाल देंगे। और गैस के फ्लेम को हम कम रखेंगे, इसे हम धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे। आप इसे भाप में भी पका सकते हैं। तो हमने सारे नाश्ते को बना के पानी में डाल दिए हैं और अब हम फ्लेम को ज़्यादा कर दिए हैं और इसे हम इस तरह से चला देंगे। तो देखिए, हमारा नाश्ता सारा अलग अलग है और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो देखिए हमारा नाश्ता पक गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हम पानी से अब बाहर निकाल लेंगे। अब इसके लिए हमने प्याज लिया है, हरी मिर्च ली है और ये टमाटर ले लिया है। इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। इस नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए हम फिर से इसे कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और ये जीरा डाल दिए हैं, हींग डाल दिए हैं और ये हम टमाटर और प्याज के पेस्ट को पका लेंगे।
स्वाद अनुसार हल्का सा और नमक मिला लेते हैं। और अब हम इस नाश्ते को इसी में डाल देंगे। तो ये हमारा चटपटा नाश्ता बनके रेडी हो गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी दोस्तों बनाइए और खाइए। जब भी आपका कुछ खाने का चटपटा मन करे तो आप इसी तरह से बनाइए और खाइए। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।